आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जैसा कि नाम से ही पता है, मैग्नेटिक फील्ड से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना. तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले एक टर्म समझना होगा जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. एक टर्म हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है. वहां पर हम लोग कहते थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, किसी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो उस सरफेस से क्रॉस करने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज को काउंट करते थे, है ना. तो वैसे यहां भी है, यहां पर अगर किसी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, उस सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्रॉस कर रही होंगी उनको हमें काउंट करना होता है, उनका नंबर वो काउंट करना होता है, वो नंबर ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, है ना. तो यहां पर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू द सरफेस. जैसे ये सरफेस है, अगर इस सरफेस से हमें नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को काउंट करना है, है ना, तो क्या करेंगे, जैसे देखेंगे ये फील्ड है ना, और ये जो सरफेस दिखाया गया, सरफेस का एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. अगर ऐसा मान लिया जाए, है ना, कि ये सरफेस के प्लेन में लाइन ड्रॉ किया मैंने और ये जो है ये परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहीं ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऐसे जा रही हैं इस तरह से और यहां से कहीं बाहर की तरफ निकल रही हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा. जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करते थे तो लिखते थे ई डॉट ए, या इसको लिखते थे ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना. बिल्कुल इसी तरीके से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी फाइंड करना है. फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है बी डॉट ए, या इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, जहां पर B जो है ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, A जो है वो हो गया एरिया वेक्टर, और जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, ये एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हो गया कॉस थीटा, ठीक. तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हम लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं. अब मैग्नेटिक फ्लक्स से ही रिलेटेड होता है जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना. फैराडे ने एक लॉ दिया था जिस लॉ पर यह पूरा चैप्टर बेस्ड है ना. फैराडे के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है. स्टोरी यह है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, है ना. तो काफी इनको फ्रस्ट्रेशन हुई. फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली में ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें कई सारे सर्किट इन्वॉल्व थे, उसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ था, है ना. तो जब इनको गुस्सा आया तो इन्होंने सर्किट को फेंका. जब फेंका तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखाई दिया है. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देने का मतलब है कहीं ना कहीं करंट फ्लो किया होगा, है ना. तब जो है इनको लगा कि कुछ यहां पर गड़बड़ हुआ है. फिर उन्होंने उसके बारे में काफी और सारे एक्सपेरिमेंट किए, टेस्ट किए, तब इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जब भी किसी सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, तो उस सर्किट में करंट इंड्यूस होता है, जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, ठीक. तो फैराडे का जो लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सर्किट. तो इसमें जो ये टर्म यूज किया गया है ईएमएफ, पहले तो हम लोग इसको समझते हैं कि ईएमएफ होता क्या है. ईएमएफ वर्ड हमने एक बार पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जब बैटरी का ईएमएफ की बात करते थे. तो बैटरी का ईएमएफ क्या है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है. तो यहां भी ईएमएफ को हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही समझ करके चलेंगे, है ना. इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. जो नाम है ये काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको समझना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है.
किसी सर्किट में जब फ्लक्स चेंज होता है उस सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो जाकर करंट फ्लो करने लगेगा उसमें। जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, है ना। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इन्होंने ये लॉ दिया। क्या बताया? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सर्किट। अब फ्लक्स क्या है, एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, यहां पर बात किया जा रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं, मैथमेटिकली ईएमएफ कैन बी गिवन बाय ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डीटी। ये टी जो है टाइम है, फाई जो है फ्लक्स है, तो ये जो हमने लिखा है डी फाइव बाई डी टी एक्चुअली में क्या हो गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या सिंपली कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। तो यहां से ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सकता है। माइनस साइन है वो किसी अलग कारण से लगाया गया है, वो बताता है कि ईएमएफ की पोलरिटी क्या होगी, या कह सकते हैं कि जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो जस्ट ईएमएफ का वैल्यू जो है या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है डी फाइव बाई डी टी के मैग्नीट्यूड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है फैराडे लॉ है मैथमेटिक्स से, इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस दिया गया हो, इफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज आर, देन इंड्यूस्ड करंट I will be equal to induced EMF divided by R, means 1 by R into d phi by dt। तो यहां से induced current का value भी हम लोग find कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जो induced EMF है वो change of flux पर depend करता है, ठीक। तो flux जो है वो कितने तरीके से change हो सकता है, देखेंगे। flux तीन डिफरेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, ये तीन डिफरेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, है ना, जो पहला केस है उसमें कह सकते हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बी चेंजेस, मतलब बाकी सारा कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, केवल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, जो ईएमएफ है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस डी, जो फाई होता है उसको लिखा जा सकता है बी ए कॉस थीटा बाई डी टी, है ना। तो इसमें से कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है ए कॉस थीटा, बी केवल चेंज हो रहा है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल बी को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आएगा माइनस ए कॉस थीटा इंटू डीवी बाई डीटी, जहां पर बी क्या, डीवी बाई डीटी क्या बताएगा, ये बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एरिया चेंज हो रहा हो, व्हेन एरिया ऑफ सर्किट और लूप चेंजेस, है ना। लूप जो है या जो सर्किट है, लूप का मतलब हो गया कंडक्टिंग वायर का लूप है, क्लोज लूप है या सर्किट है, अगर उसका एरिया चेंज हो रहा हो तो उस केस में हम लोग इसको लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को बी ए कॉस थीटा बाय डीटी, है ना। तो इसमें बी और कॉस थीटा ये कांस्टेंट हो गया इस बार, है ना, बी कॉस थीटा कांस्टेंट हो गया, बाकी लिख सकते हैं डी ए बाय डीटी।
अब एरिया जो है कई तरीके का हो सकता है, सर्कुलर एरिया हो सकता है, रेक्टेंगुलर एरिया हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, तो जैसा भी होगा उसका एरिया जिस रेट से चेंज हो रहा होगा उसके हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसको लिखा जा सकता है माइनस बी कॉस थीटा इंटू डी ए बाई डी टी, ये हो गया। इसका बाद तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर उनके बीच का एंगल चेंज हो रहा हो, है ना, व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंजेस। ये कैसे चेंज हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि यहां पर जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया सपोज इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर कोई लूप रखा गया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब मैंने एक यहां पर ये जो लूप है, लूप के अभी प्लेन में यहां पर एक लाइन ड्रा किया है। अब इस एक्सिस के अबाउट अगर ये लूप या सर्किट ऐसे घूमने लगेगा तो क्या होगा, आप देखेंगे अगर ये घूमने लगेगा तो इसका एरिया का डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का तो फिक्स्ड है, है ना, जैसे अगर मेरा हाथ जो है वो प्लेन है, कॉइल का लूप है, लूप का एरिया है, ठीक है, तो मैंने ये एक्सिस लिया है तो अभी देखेंगे इसका एरिया जो है मैं इधर ले सकता हूं या इधर भी ले सकता हूं, इसके परपेंडिकुलर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो अभी इसका डायरेक्शन मैं मान लेता हूं इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है तो पैरेलल है, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ घूमेगा ऐसे तो इसका एरिया वेक्टर किधर आ गया, इधर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो इनके बीच का एंगल चेंज हो गया। फिर मेरा हाथ आ गया ऐसे तो अब एरिया वेक्टर इधर आ गया जबकि मैग्नेटिक फील्ड है इधर, है ना, उसके बाद ये जो एरिया है ऐसे घूम सकता है। अब इस बार एरिया वेक्टर इधर चले गया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, ठीक। तो ये जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है ना, यानी थीटा चेंज हो रहा है। तो थीटा चेंज हो रहा है तो उस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई के जगह पर बी ए कॉस थीटा बाई डी टी, ये हो गया। अब इसमें से बी और ए ये कांस्टेंट है, हम लोग डिफरेंशिएट किसको करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा को, है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा माइनस बी ए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, है ना, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो ईएमएफ आया ये हो गया बी ए साइन थीटा, और ये जो डी थीटा बाई डी टी है इसको मैं चाहूं तो ओमेगा भी लिख सकता हूं, है ना, इसको मैं डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, तो इसको मैं ओमेगा लिख सकता हूं, तो फाइनली आएगा ई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन, जो थीटा है इसको ओमेगा टी लिखा जा सकता है, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो किसी टाइम टी पर ओमेगा इंटू टी इतना एंगल ट्रेवल करेगा, है ना, जैसे आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो चूंकि यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, अगर मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसको हटा देंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आएगा या डी थीटा बाय डी टी ओमेगा आएगा। तो इस केस में डी थीटा बाय डी टी को ओमेगा लिखा हमने और थीटा को ओमेगा टी लिख दिया, तो ये देखेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू किसी भी टाइम टी पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये साइनसॉइडली जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक। जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो इसी रूल से होता है, उसमें क्या होता है एक क्वाइल होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है, तो रोटेट करने की वजह से जो एंगल है एंगल चेंज हो रहा होता है, एंगल चेंज हो रहा होता है तो इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है साइनसॉइडली। देख सकते हैं कि टाइम के साथ में ये पीरियडिकली चेंज होता है ना, जब हम लोग एसी सर्किट पढ़ते हैं तो एसी सर्किट में जो ईएमएफ होता है वो भी कुछ इसी टाइप का होता है, इसको हम लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। करंट जो इंड्यूस होता है वो भी इसी तरह से होता है ना, तो इसी तरह अगर देख सकते हैं कि ऐसा ही इक्वेशन यहां भी कुछ आया हुआ है।
तो ये देखा हमने कि तीन तरह से ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि तीन तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जा सकता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, अगर एरिया चेंज हो रहा हो या थीटा चेंज हो रहा हो। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो फैराडे लॉ है वो कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। तो इसमें से ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो डी फाई बाई डी टी फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसमें ये जो माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलरिटी किधर होगी या उसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। डायरेक्शन को समझने के लिए लेंज एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक रूल बताया है, तो वो रूल हम लोग अभी यहाँ पर सीखेंगे। ये रूल कहता है पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोजेज द चेंज इन फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेज इट, है ना। ये बड़ा सा सेंटेंस है, वैसे एक बार पढ़ने में हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको मैंने छोटा करके यहां पर बताया। होगा क्या कि अगर ईएमएफ की पोलरिटी को जो है, अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी पोलरिटी एक खास डायरेक्शन में होती है, है ना, स्पेशल डायरेक्शन में होती है। पोलरिटी अगर वैसी होगी तो एक खास डायरेक्शन में करंट भी इंड्यूस करेगा। तो वो करंट क्या करता है, वो करंट खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्रिएट करता होगा। तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट करता है, वो फ्लक्स जो ओरिजिनल फ्लक्स है जो पहले किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया होगा सर्किट को, है ना, जिसमें जो कि फ्लक्स चेंज हो रहा था तो ये नया करंट इंड्यूस हुआ है, है ना। तो जो ओरिजिनल फील्ड है या जो ओरिजिनल फ्लक्स है उसके चेंज को ये अपोज करता है, जो नया फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, है ना। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है, थोड़ा समझने में भी दिक्कत होती है, लेकिन जब भी अगर आपको कहा जाए लेंज रूल लिखने के लिए तो लेंज रूल लिखना हो तो यही लाइन लिखेंगे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन समझना हो तो मैंने यहां पर लिखा है उसको। ये क्या बताया है कि इंड्यूस्ड करंट, चूंकि पोलरिटी इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट हैज सच अ डायरेक्शन सो दैट इट अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, है ना। तो ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है जिससे वो जिस कारण से इंड्यूस हुआ है उस कारण को अपोज करता है। अगर फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस हुआ है करंट तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स घटने के कारण से इंड्यूस हुआ है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब जिस कारण से इंड्यूस हुआ उस कारण को अपोज करता है। फ्लक्स घटने से इंड्यूस हुआ है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा मतलब, है ना। अगर फ्लक्स घटने से इंड्यूस हुआ है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये करंट जो है उसको अपोज करता है। तो ये शॉर्ट में जो है, इस रूल को मैंने शॉर्ट में यहां पर अपने भाषा में हमने लिखा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, इंड्यूस्ड करंट हैज सच अ डायरेक्शन सो दैट इट अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, जिस कारण से करंट इंड्यूस हुआ उस कारण का अपोज करता है। अगर फ्लक्स बढ़ने की वजह से इंड्यूस हुआ तो उसको ये घटाएगा, अगर फ्लक्स घटने की वजह से इंड्यूस हुआ तो उसको ये बढ़ाएगा, ठीक है। अब कैसे घटाएगा कैसे बढ़ाएगा इसको समझने के लिए मैंने यहां पर दो पॉइंट्स लिखे, ठीक है। ये दो पॉइंट्स ध्यान रहेगा तो आप कभी भी जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है तो उस करंट का डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है, है ना, क्योंकि ये जो थोड़ा स्टेटमेंट लिखा है इससे बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है। तो ये ध्यान रहेगा तो आप बहुत जल्दी से रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, आंसर पर पहुंचेंगे, ठीक। तो ये पहला पॉइंट मैंने लिखवाया है, व्हेन करंट इंड्यूसेज ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स देन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमें यह समझना है, ठीक है। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। जैसे देखेंगे यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये एक लूप है, लूप किसी वेलोसिटी वी से इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड के पहले बाहर था अब अंदर जा रहा है। तो जैसे जैसे अंदर जाएगा
तो चूंकि इसका जो एरिया है वो फील्ड के अंदर बढ़ता जा रहा है ना, तो जैसे B इंटू ए होता है फ्लक्स, ए बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो एरिया जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला एरिया, जैसे अभी देखेंगे एरिया ये है, और आगे जाएगा तो एरिया और बड़ा हो जाएगा अंदर वाला, ठीक है। तो एरिया बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो यहां पर क्या बताया गया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसका जस्ट अपोजिट यानी आउटवर्ड होगा, ठीक है। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है क्या, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड करंट के कारण से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना। हमने कहा कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, जब करंट फ्लो करेगा तो वो खुद भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उसको हमने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहा है, और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा आएगा अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा तो, ठीक। तो पहला काम तो ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, हमें यह पता है कि फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, तो फ्लक्स जैसे यहां बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट आ गया, आउटवर्ड आ गया। अब अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया तो करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, कैसे, आप देखेंगे इस लूप में जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो है ना इस तरह से, तभी जाकर के इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आउटवर्ड आएगा, है ना। जैसे मैंने एक रूल बताया था राइट हैंड पाम रूल, तो ये जो थंब है वो देखेंगे कर, मैंने कहा करंट इधर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में थंब रख लिया, और ये जो पाम है यानी जो हथेली है इसको वहां पर रखेंगे जहां पर हमने फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो ये इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो पाम के फेस के डायरेक्शन में आएगा, पाम का फेस बाहर आ रहा है ना, तो यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा तभी जाकर के इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा इस लूप के अंदर, ठीक है, बाहर का नहीं देखना होता है, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के अंदर ही देखते हैं हमेशा है। तो अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। तो ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसका जस्ट अपोजिट है, व्हेन करंट इंड्यूसेस ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लक्स, है ना, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था इसलिए करंट इंड्यूस हुआ तो उसको अपोज करना है ना, तो घट रहा था तो उसको ये बढ़ाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, देन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर एक्सटर्नल में जैसे ये वाला केस देखेंगे, इस केस में क्या हो रहा है कि जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा होगा तो जो एरिया इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो एरिया धीरे धीरे कम हो रहा होगा, कम होने से क्या होगा, फ्लक्स कम हो रहा होगा, फ्लक्स कम होगा तो करंट इसमें इंड्यूस होगा, तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इंड्यूस्ड वाला भी इनवर्ड ही आएगा, ठीक है। जैसे कहा गया है कि जिस कारण से इंड्यूस हुआ है उस कारण को अपोज करता है, तो ये किस कारण से इंड्यूस हुआ था, फ्लक्स के घटने की वजह से, है ना, फ्लक्स के घटने की वजह से इंड्यूस हुआ था तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो कब तभी बढ़ा सकता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये आ जाए तो फ्लक्स को बढ़ाएगा, ये यहां पर उसका उल्टा हुआ था, है ना, मतलब कि जो लेंज रूल है उस रूल के हिसाब से सही था लेकिन इस केस के उल्टा था। इसमें क्या था, इसमें देखेंगे कि जो करंट इंड्यूस हुआ है वो फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस हुआ है, फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस हुआ तो उसको डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको तो अपोज करना है ना। कहा गया इट अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, कारण क्या था, किस कारण से इंड्यूस हुआ, फ्लक्स बढ़ने की वजह से, तो उसको अपोज करना है, बढ़ रहा है तो उसको घटाएगा, कैसे घटा सकता है, जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में आ जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा डायरेक्शन में आ जाए, और इसीलिए ये दो पॉइंट मैंने लिखवाया है ना, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा था तो उसको अपोज करने का एक ही तरीका है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के उल्टा हो जाए। इस केस में
फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता यानी घट रहा था, तो घट रहा था तो उसको ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करता है, तो घट रहा था तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाने का इसके पास एक ही तरीका है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो बढ़ने लगेगा, है ना, मतलब वो बढ़ा सकता है इस तरीके से, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अब दूसरा वाला जो रूल है इसके हिसाब से यहां पर देखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है और चूंकि इस लूप के बाहर जाने से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा। फ्लक्स डिक्रीज हो तो एक्सटर्नल के डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इनवर्ड है तो इंड्यूस्ड वाला भी इनवर्ड आएगा। अब इंड्यूस्ड इनवर्ड आया, इसके लिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमें चेक करना है। करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा तभी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। ऐसे देख सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से, थंब को रखूंगा करंट के डायरेक्शन में और हाथ को यानी हथेली को रखूंगा वहां जहां फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है, तो पाम का फेस अंदर जा रहा है यानी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। तो इसमें देखा हमने करंट क्लॉकवाइज आएगा, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक। ऐसा ही यहां पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें आई करंट है, ये करंट जो है मान लेते हैं कि इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। इसके दो साइड में सेम प्लेन में दो लूप दिए गए हैं तो इसमें करंट का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना, हर जगह आएगा मतलब लूप के बाहर भी। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर इनवर्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा वो आउटवर्ड आएगा, है ना, यहां पर बाहर हो चाहे अंदर हो ये आउटवर्ड आएगा। ऐसे देख सकते हैं थंब का थंब के पैरेलल करंट के डायरेक्शन में होता है और हथेली उधर जिधर फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो पाम का फेस आउटवर्ड आ रहा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर आउटवर्ड है। एक्सटर्नल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस लूप के लूप को छोड़कर के दूसरा चीज है कोई, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर ने यहां पर फील्ड क्रिएट किया है तो इसके लिए वो एक्सटर्नल सोर्स हो गया और इसी कंडक्टर ने यहां भी फील्ड क्रिएट किया है तो इसके लिए भी ये एक्सटर्नल सोर्स है, है ना। तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अब कहा गया कि करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज होगा तो ये दोनों जगह जो फील्ड है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो अगर ये फील्ड दोनों जगह इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों जगह फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, दोनों जगह फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो ये पहला वाला पॉइंट ध्यान देंगे कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी यहां पर इंड्यूस्ड वाला जो आएगा वो आएगा आउटवर्ड और यहां पर जो इंड्यूस्ड वाला आएगा वो आएगा इनवर्ड, ठीक है। तो अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल जाए, इस पॉइंट से हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। एक बार इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल जाए तो फिर करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना होगा, तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो आ गया एंटी क्लॉकवाइज। इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड होने के लिए करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज, इसमें इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर दो पॉइंट हमें ध्यान रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसी भी लूप के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक। अब एक्चुअली में जो फैराडे था, फैराडे ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें करंट का डायरेक्शन देखा, उसकी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकाली हर केस में, तब जाकर के उस कंक्लूजन पर पहुंचा था। तो वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, किस तरह से करंट का डायरेक्शन चेक करा था, वो हम लोग यहां पर अभी देखेंगे। तो फैराडे ने जो तीन एक्सपेरिमेंट किए थे वो तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोग यहां पर बारी बारी से देखेंगे। जैसे ये पहला एक्सपेरिमेंट है, इसमें देखेंगे कि यहां पर एक क्वायल है जिसमें तीन टर्न्स दिखाए गए हैं और ये क्वायल में एक गैल्वेनोमीटर
कनेक्ट किया गया है। गैल्वेनोमीटर जो है इसलिए कनेक्ट किया गया है कि अगर इसमें करंट इंड्यूस होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा और डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि इसमें करंट वाकई में इंड्यूस हुआ है। यहां पर देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वी वेलोसिटी से इधर जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या होता है कि जैसे ये मैग्नेट है, इसको पास में लाएंगे तो भी इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इसको दूर ले जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, है ना। इसमें क्या होता है, व्हेन मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द क्वाइल देन पॉइंटर इन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स। जब इसको क्वाइल के पास में ले जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इनफैक्ट दूर ले जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये होता क्यों है, इसको हम लोग लेंज रूल से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखेंगे कि ये जो नॉर्थ पोल है यहां से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज बाहर की तरफ निकलती हैं। ये जो भी निकलेंगी ये क्वाइल से होकर के पास करेंगी ऐसे, है ना, कुछ इस तरह से, इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जा रही है ऐसे। अब यहां पर देखेंगे कि यहां से लाइन्स ऑफ फोर्सेज बाहर निकल रही हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, इस मैग्नेट की वजह से है, है ना। अब जब इसको पास में ला रहे हैं तो लाइन्स ऑफ फोर्स की डेंसिटी यहां बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज रूल से मैंने क्या बताया कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होना चाहिए, यानी यहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा कहीं इधर, एक्सटर्नल इधर था, इंड्यूस्ड वाला इधर आएगा, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण से करंट इंड्यूस हुआ है, ठीक। तो अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ होगा, होगा ये आप देख सकते हैं। जैसे ये क्वाइल है ना, अगर ऐसे क्वाइल है तो अगर मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं तो अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, यानी इसमें देखेंगे तो करंट जो है वो ऐसे जा रहा होगा और इधर से आ रहा होगा, तीनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ होगा, है ना। उसी तरह से जब इसको दूर ले जाएंगे तो दूर ले जाने से क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल के पैरेलल आएगा, यानी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। अब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा तो करंट जो है फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए अगर इधर से देखें तो, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया इसलिए डिफ्लेक्शन भी इसमें उल्टा आएगा। अब आते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट में। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि दो क्वाइल रखे गए, एक ये क्वाइल है और एक ये क्वाइल है, ठीक है। जैसे इस क्वाइल में कोई बैटरी नहीं था, केवल क्वाइल था और एक गैल्वेनोमीटर था, वैसे ही ये भी है, ये क्वाइल है और एक गैल्वेनोमीटर है, लेकिन जो दूसरा क्वाइल है इसमें एक बैटरी जोड़ा गया है, ठीक है। ये क्वाइल वन और ये क्वाइल टू, इसमें बैटरी जोड़ा गया है जो कि इसमें कॉन्स्टेंट जो है एक करंट फ्लो कराएगा इसमें। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब इधर से मैं देखूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर, है ना। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ये भी जैसे क्वाइल होता है, क्वाइल भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, ये भी एक तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जैसे सोलेनॉइड को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, वैसे ही ये भी मैग्नेट है एक तरह से। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऐसे जाएंगी। अगर इस क्वाइल की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज इस तरह से जा रही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही केस है, बस वहां मैग्नेट था यहां पर क्वाइल आ गया है। अब जैसे ये पास में आएगा, इसको इसमें भी देखेंगे वेलोसिटी वी दिया गया है, ये आ रहा है पास में, जब पास में आएगा तो बिल्कुल वही वाला केस है, जैसे जैसे पास में जाएगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में आएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर, ठीक है। फिर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर आने के लिए करंट जो है वो उधर से देखने पर, इस साइड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए ऐसे, ठीक है, जैसे कि इसमें फ्लो किया था। तो जब इसको पास में ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, जब इसको दूर ले जाएंगे तो बिल्कुल उसी के जैसा
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। पास में ले जाएंगे तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगा, दूर ले जाएंगे तो उल्टा डायरेक्शन में दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, है ना। तो ये जो केस था इसमें क्या दिखाया, करंट इन क्वाइल वन इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ क्वाइल टू। क्वाइल टू का जो है मोशन की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है, ठीक। अब जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है इसमें आते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे दो क्वाइल है, एक क्वाइल है ये, जैसा कि यहां पर क्वाइल था ये वाला, चाहे उसमें क्वाइल वन था, वैसा ये क्वाइल है, तीन क्वाइल दिख रहे हैं इसमें और एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है। यहां पर एक छोटा सा क्वाइल है जिसमें कि बैटरी है और साथ में एक स्विच भी है, है ना, की है कह सकते हैं। ये जो की है जब इसको क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, और जब इसको की को रिलीज करेंगे, है ना, रिलीज करेंगे तो सर्किट बंद हो जाएगा, यानी करंट फिर खट करके गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, अब देखेंगे कि जैसे जब स्विच को क्लोज किया तो मैं मान लेता हूं कि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर आएगा, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जाएंगे जैसे पिछले केसेज में जा रही थी ऐसे, ठीक। तो होगा क्या कि जैसे ये जो की है इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से करंट जीरो से एक वैल्यू आई तक वैरी करता है ना, एक स्टेडी स्टेट करंट आता है आई, शुरू में जीरो था तो जीरो से आई तक ये वैरी करता है ना। जब करंट इसमें बढ़ रहा होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही बढ़ रहा होगा, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस क्वाइल की वजह से वो इस करंट पर डिपेंड करता है ना। तो करंट जैसे जैसे बढ़ रहा होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर है और जब स्विच हमने प्रेस किया उस छोटे से इंटरवल में क्या होगा, करंट ये जीरो से आई तक बढ़ा। जब जीरो से आई तक बढ़ेगा है ना, तो इसमें क्या होगा, यहां का फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में आएगा इधर, है ना। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा तो क्या होगा, करंट इसमें इंड्यूस होगा इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक। लेकिन अगर इस की को लगातार प्रेस करते रहेंगे तो अब ये जो आई करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड हो जाने से क्या होगा कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में डिफ्लेक्शन जीरो दिखाएगा, लेकिन प्रेस करने के बाद जैसे ही स्विच को हम लोग रिलीज करेंगे, स्विच को हटाएंगे तो करंट फिर आई से जीरो की तरफ जाएगा, घटेगा, करंट जो है आई से जीरो यानी करंट घटेगा। करंट घटने से क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है घटेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम होने से क्या होगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा। जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आएगा तो उस केस में भी चूंकि करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। करंट किधर इंड्यूस होगा, चूंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है तो इस बार करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से देखने पर इंड्यूस होगा, ठीक है। तो स्विच प्रेस करने पर अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा और स्विच रिलीज करने पर अलग डायरेक्शन में दिखाएगा, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हेन की इज प्रेस्ड और रिलीज। जितने देर के लिए हम लोग प्रेस करते हैं, है ना, जब प्रेस करेंगे तो थोड़े देर के लिए इसमें करंट का डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर रिलीज करेंगे तब दिखाएगा। लगातार अगर प्रेस करे रह जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट जो है फैराडे ने किए थे। अब इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे, ये जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, जो एक्सपेरिमेंट टू है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। कहा गया है कंसीडर एक्सपेरिमेंट टू, पूछा गया है व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर।
ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, इस गैल्वेनोमीटर में अगर हमें बहुत ही लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाना हो, यानी कि इंड्यूस करंट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, इंड्यूस करंट का वैल्यू ज्यादा होने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, तो इसमें वो दो तीन काम कर सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक्चुअली में होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू डी वी बाई डी टी, या तो हम लोग इस रेट को चेंज कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का रेट चेंज कर सकते हैं, तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, है ना, तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर इसको काफी फास्ट मूव कराया जाए, तेजी से मूव कराया जाए, तो बहुत तेजी से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है ना, उस केस में करंट का जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगा, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा बढ़ाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो क्वाइल है इसके अंदर एक आयरन सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे यहां पर, उससे क्या होगा, यहां इसने जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां पर बढ़ जाएगा, अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा फिर फ्लक्स में चेंज जब निकालेंगे तो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, है ना, तो चेंज भी काफी बड़ा आएगा तो करंट इंड्यूस भी बड़ा आएगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। या ये जो बैटरी है इस बैटरी को बहुत बड़ा कर दे, मतलब हायर वोल्टेज का बैटरी लगाएंगे तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा बहुत बड़ा करंट फ्लो करेगा, बहुत बड़ा करंट फ्लो करेगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट करेगा तो इंड्यूस करंट भी ज्यादा आएगा, है ना, तो ये तीन तरीके से हम लोग जो है उसका रीडिंग को बढ़ा सकते हैं। एक तो है आयरन सॉफ्ट कोर डालेंगे, दूसरा यह है कि काफी तेजी से मूव करा सकते हैं, तीसरा यह है कि बैटरी हायर ईएमएफ का बैटरी वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक, ये तीन तरीके हो गए। और दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का, इसमें पूछा गया है हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द ऑब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। कहा गया कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में यहां पर गैल्वेनोमीटर नहीं होता, हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो किस तरह से पता करेंगे कि इसमें करंट इंड्यूस हुआ है, तो उसके कई सारे तरीके हैं। हो सकता है आप यहां पर गैल्वेनोमीटर की जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा दें, है ना, जैसे टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब होता है, वो बल्ब यूज करेंगे तो इसको पास या दूर ले जाने से जो करंट इंड्यूस होगा उस बल्ब को जो है ग्लो कराएगा, बल्ब जल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा करंट फ्लो किया है, है ना, या छोटे छोटे फैंस आते हैं, है ना, छोटा मोटर आता है, मोटर को जोड़ करके उसमें फैन लगा देंगे तो हो सकता है फैन चल जाएगा, है ना, अगर बहुत ही छोटा सा हीटर हो जिसको बहुत कम करंट की जरूरत होती हो वैसा हीटर लगाएंगे तो ऐसे बार बार करने से देख सकते हैं कि वो हीटर जो है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करने लगेगा, तो कई सारे तरीके हैं, है ना, मेन जो है सबसे आसान है छोटा सा बल्ब यहां पर लगाएंगे तो क्या होगा, वो बल्ब जैसे ही ग्लो करेगा तो हमें पता चल जाएगा करंट इसमें फ्लो किया है, ठीक।